हेलो फ्रेंड्स, द दनु किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं लेने जा रही हूँ सैंडविच, जो आपको बहुत पसंद आएंगे। और सैंडविच सभी को खाना बहुत पसंद होते हैं, और सैंडविच जब स्ट्रेट स्टाइल में बनाओ तो खाने का मजा डबल हो जाता है। तो चलो शुरू करते हैं आज की मजेदार रेसिपी। यहाँ पे मैंने लिया प्याज बारीक कटी हुई, शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, और थोड़ी सी पनीर वो भी मैंने कट कर ली है। अब इसे डालने हमें एक बाउल में। अगर आपको पनीर पसंद ना हो तो आप इसे छोड़ सकते हैं। अब मैं डालूंगी इसमें एक चम्मच शेजवान चटनी। अगर आपके पास शेजवान चटनी ना हो तो आप टमाटो केचप में एक आधा चम्मच रेड चिल्ली पाउडर डाल के और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के वो भी ऐड कर सकते हैं। तो इसे मैं अच्छे से मिला लूंगी मिलने तक। अब मैंने इसे अच्छे से मिला लिया। अब यहाँ पे लिया मैंने 3 स्लाइस रेड की वाइट वाली, आप चाहो तो ब्राउन रेड भी यूज कर सकते हैं। अब एक पे लगाऊंगी मैं टमाटो केचप। और सेकंड पे लगाऊंगी मैं ग्रीन चटनी जो मैंने अभी इंस्टेंट बनाई है। धनिया, हरी मिर्ची, काली मिर्च, जीरा पाउडर, ये सब डाल के मैंने फटाफट बनाई है। आप चाहो तो कोई भी ग्रीन चटनी यूज कर सकते हैं। अब इस वाली पे लगाऊंगी मैं बटर। अब मैंने तीनों पे लगा लिया। अब एक पे लगाऊंगी मैं ये वाली स्टफिंग। ये सैंडविच फ्रेंड्स बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा, और ये साथ साथ बड़ों को भी बहुत अच्छा रहेगा और बहुत ही जल्दी बनने वाला है। अब यहाँ पे मैंने खीरे कट कर लिए, मैं ये भी इसको सजा दूंगी। इस पे लगाऊंगी मैं टमाटर। यहाँ पे मैंने क्रश काली मिर्ची ली है, वो मिल सकते स्प्रिंकल कर लूंगी। नमक टू टेस्ट, अब मैंने यहाँ पे लिए चीज, मोज़रेला चीज ली मैंने यहाँ पे, आप प्रोसेस चीज भी यूज कर सकते हैं। मैं ये घिस दूंगी। जैसे बाजार में मिलता है ना, बिल्कुल एकदम बढ़िया सा चीज लगाते हैं, उस तरीके से हम इसे बनाएंगे। अब मैंने चीज अच्छे से लगा ली है। अब इस वाली स्लाइस को मैं इसके ऊपर रख दूंगी। अगर आप ज्यादा चीज पसंद करते हैं तो आप इस पे और लगा सकते हैं, थोड़ी और डाल देती इसपे। ये वाली स्लाइस मैं इस पे लगा दूंगी। मैंने यहाँ पे तवा गर्म करने के लिए रख दिया है। इस पे लगाऊंगी मैं बटर। अब इसे हम प्लेट से ढक देंगे, जो हमारी चीज है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। अब इसे पलट देंगे। अब इस वाली साइड पे हम लगा देंगे बटर। और इसे पलट देंगे। अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया हमारा, एकदम बढ़िया। अब इसे भी हमने 2 मिनट के लिए ढक दिए। ये वाली साइड भी हमारी अच्छी सिक गई है। अब इसे हमने निकाल लिया। अब इसे मैं कट कर लूंगी।
आप देख सकते कितना सुंदर लग रहा है और चीज का तो पता ही नहीं चल रहा कांगे एकदम बढ़िया। अब मेरे सैंडविच बनके बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं ये कितने इजीली बन गए। आपको सिर्फ गैस के पास 2 मिनट ही जाना पड़ेगा और फटाफट एकदम बढ़िया सैंडविच तैयार हो गए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टेक केयर।